वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी जैसे कि हम अपने खेत पे रहे और टाइम हो चुका है, अभी दिन की 12 बज गई है, तो हमारी ड्यूटी सब काम का ख़त्म करने के बाद, पहले जैसे कि उधर मोटर चल रही थी चने में ऊपर साइड, उधर काम ख़त्म हो चुका है और आज फाइनली अपने खेत पर लहसुन का मुहूर्त कर दिया निकालने का। तो अभी जैसे चल रहा है तो ये हमारा पूरा सेप, और तीन जने हैं तो तीनों का अलग अलग है। तो अभी जैसे आगे बढ़ चल रहा है तो एक दो करके उखाड़ने काम चल रहा है। तो अभी जैसे कि लहसुन निकाल रहे हैं तो कुछ अंदर टूट भी रही है, और टूट तो बहुत कम रही है, बाकी निकलने में अच्छी आ रही है। फटाक से पकड़ते ही खेर में थोड़ा सा जोर करा कि निकल के आ जाएगी बाहर। और थोड़ी मिट्टी आ रही थी, इसको साफ करनी पड़ती है। तो इधर की जैसे कि हमारे बोरवेल है, होल है इसके ऊपर की, पूरी आज ये नहीं ऊपर साइड की निकालने का काम है, इसको निकालेंगे। और कल मजदूर भी करेंगे, आज मजदूर नहीं मिले, कल मजदूर और हम घर के मिलकर इसको उखाड़ के फिर काटने का काम भी करना है। तभी इसको हम फटाफट उखाड़ते हैं पहले। तो अभी जैसे कि वहाँ से हमने स्टार्टिंग की है, यहाँ तक आ चुके हैं और इधर सामने झाड़ तक जाना है, तो चलो उखाड़ते हैं फटाफट। अभी जैसे कि अपने आधी दूर आ चुके हैं हम, आधे से भी कम बचा हमारा एरिया, और नीचे साइड वहाँ से ला रहे हैं हम नीचे, जैसे मक्की का जो दिख रहा है तो वहाँ हमने पार्टीशन करा हुआ है, तो उस ऊपर साइड की जो निकाल रहे हैं। तो अभी कम से कम एक से डेढ़ एक घंटा और लगेगा उसको पूरा करने से मैं, और उसके बाद वापस फिर उस खेत पर हमको दवाई स्प्रे करने के लिए जाना है। और आवाज़ देख सकते हो बहुत बनन बनन चल रही है, और ऊपर से धूप भी लग रही। तो अभी फ़ोन लगाएंगे दवाई मशीन वाले को और उस खेत पे जाएंगे, और वहाँ से वहाँ पर सुबह पानी भर के आ गए थे हम तो अपने खेत पे, तो वहाँ पर दवाई इसका स्प्रे कराएंगे। तो पहले हमारा जो एरिया बचा है इसको उखड़ लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम मशीन वाले को फ़ोन लगाते हैं, फटाफट हम हमारे इसका खेल ख़त्म करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कितना क्या टाइम बचता है। फिर टाइम बचेगा तो आगे हम वापस इसके अंदर उधर से स्टार्टिंग कर लेंगे, नहीं तो फिर नीचे साइड से वापस उखाड़ने का स्टार्टिंग करेंगे। तो गाइस अभी जैसे कि हमारा काम अभी यहाँ तक इतनी उखाड़नी थी, क्योंकि अभी आगे थोड़ी हरी हरी है ग्रीन कलर की, थोड़ी अच्छी भी हो रही है, तो उधर उखाड़ने जैसी हुई नहीं, तो अभी आगे जहाँ तक उखाड़ी है वापस अब स्टार्टिंग होगी हम नीचे से। तो अभी हम हमारा काम तो हो चुका है, और अब हम जाएंगे दवाई का स्प्रे कराने के लिए। तो अभी हम चलते हैं फटाक से, और हवा सब देख सकते हो आप कितनी खतरनाक चल रही है, बरर बरर। तो अभी हम चले जाएंगे उधर नीचे साइड, और वहाँ पर हाथ धोएंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आराम करेंगे, नहीं तो फिर फ़ोन लगा के पूछेंगे और गाड़ी लेके दवाई लेके डायरेक्ट अपने उस वाले खेत पे, वहाँ पर भी अभी दवाई का स्प्रे कराएंगे। और ये जो इधर साइड रखी हुई है ये वापिस अगले साल के लिए, अगले साल चोपने के लिए इधर रह जाएगी, बाकी सब बेचने के लिए। और उधर साइड भी जो इस पेड़ की उधर अलग वैरायटी की है, नीचे साइड भी है और ऊपर साइड भी है, तो वो उसमें से भी रखेंगे थोड़ी जो सी लहसुन है वो। अभी चलते हैं हम फटाक से।
फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं इधर अपने नीचे साइड वाले एरिया में, और ये इसके ऊपर से मतलब गिर गया है, तो इसको भी उठा के उधर साइड में डालेंगे, और बाकी गाड़ी भी बाजू करेंगे, अलग हटेंगे, और इसको भी कल ये जो नीचे लटक रहे हैं इसको सबको गिराएंगे। तो अभी बस थोड़ी बहुत देर में हम यहाँ से फ़ोन लगा के पूछेंगे, और मतलब वो सामने वाला जो दवाई स्प्रे करने वाला मशीन वाला है वो आ गया होगा, तो उसको बोल के फटाक से हम यहाँ से निकलेंगे और वापस जाके हमारा जो दवाई स्प्रे कराने का काम कराएंगे। और अभी देख सकते हो सब जानवर मतलब आराम से छाँव में बैठे हैं, तो इसको क्या पता गर्मी ठंडी लग रही। और ये एक इधर हमारे मैडम, तो बस पड़े हैं घर की ओर, तो थोड़ा घर पे काम है, तो आप काम करके फिर अपने खेत में निकलेंगे। और अभी जैसे दवाई भी लिया है, दवाई हमने आगे रखी हुई है, और रास्ता अभी ख़राब है और ऊपर से हवा भी चल रही है, तो उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ कुछ डिस्टर्ब होती होगी, तो आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी अभी हम चलते हैं घर पर, और वहाँ घर का काम थोड़ा बहुत ख़त्म करके फिर निकलते हैं। और ये मशीन वाले का खेत रह गया इधर, तो मशीन वाले को यहाँ से उठाएंगे, वापस उधर से आएंगे जब। गाइस अभी जैसे कि दवाई भी ले आए हम, ये रह गए इस बाल्टी के अंदर, और बाल्टी भी लेके आए हैं, और बस अब निकलेंगे इस वाले रास्ते पे। तो गाड़ी खड़ी है, मशीन उधर पड़ी है सामने, तो मशीन वाला भी आ रहा है निकल के, फिर निकलते हैं अपने गाड़ी लेके फटाक से। तो फाइनली गाइस अभी अपने खेत पे आ चुके हैं जहाँ पर हमको दवाई का स्प्रे करना था। तो ये रह गया हमारा पूरा जो पानी का सिस्टम हमने जोड़ा था, तो एक ये ड्रम हमने मतलब उस वाले खेत से लाए थे, और बाकी केन दो तीन केन यहाँ की है, बाकी दूसरी एक दूध की केन भी तो हम लोग उठा के ले आए थे। यहाँ पर लाइट बंद होने बाद में आए अभी हम दवाई स्प्रे करने, तो उधर मशीन चल रही आ रही है, इधर से दो मतलब करके ले गए, वो दो और आ रहे हैं, और ये रह गई दवाई। तो जो भी बाल्टी लाए घर से, तो ये इमरजेंसी में लाए थे, बाकी काम आ गई अभी। और पानी बस एक आधी केन खाली हो चुकी है, और ये एक ये फुल हो चुकी है अभी, और ये आधी है, और दवाई बाकी बची हुई हमारे उस वाले खेत में स्प्रे करना है, तो ये साइड में रख दी है। और अब मतलब फर्स्ट टंकी हो चुकी है, और सेकंड भराएगी, मतलब पांच टंकी हमको स्प्रे करना है, तो कम से कम लगभग पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ड्रम अभी हम यहाँ पर ही मतलब रख देंगे भर के, तो वापस दो चार दिन वापस फिर दवाई का स्प्रे करेंगे, तो फिर काम आ जाएगी। गाइस अभी मतलब दो टंकी में आधा खेत हो चुका है, और इस खेत में टोटल टंकी पड़ेगी दवाई की, जो पांच टंकी इस खेत में पड़ेगी, और दो टंकी जो हमारे ऊपर साइड है छः बटे इसके अंदर। तो अभी रास्ता देख रहे हैं कब खाली होके आता है, और अभी हमारा पानी भी मतलब कम पड़ेगा, तो और लेने जाने पड़ेगा, तो सामने वहाँ पर एक खेत है, तो वहाँ से हम भर के ले आएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, दो केन लेंगे तो दो केन में मतलब बहुत पानी हो जाएगा, और वापस सभी एक राउंड जाएगा, और एक राउंड और आएगा तो आधा मतलब आराम से हो जाएगा। फिर देखते हैं कितना क्या मतलब पानी की ज़रूरत रहेगी। और ये देख बोर देख सकते हो, बोर भी आ चुकी है, अभी नीचे गिरे हुए हैं। ये रह गया
बोर। तो गाइस अभी जैसे कि अपने दवाई का स्प्रे हो चुका है और लास्ट टंकी अभी चल रही है, तो उधर साइड जो ऊपर साइड का एरिया है उधर लास्ट चल रही है। बाकी अपना सामान वापस हमने समेट लिया है और ये केन और ड्रम मतलब यहाँ पर रहेंगे तो वापस इधर रात को मोटर चलाएंगे तो भर के रख देंगे रात, मतलब दो एक दिन में, नहीं तो फिर रात में आज कैंसिल है, बाकी दो एक दिन मोटर चलाएंगे वापस इसके अंदर ही तो भर के रख देंगे। बस अभी उधर से आ रहा है और फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने खेत पर और वहाँ पर जाके हम जो गायों के लिए कुट्टी करेंगे घास की और उसके अंदर फिर सूखले या जो भी सोयाबीन का भूसा रहता है उसके अंदर मिला के डालेंगे और ये मतलब पूरा आज का काम हो गया है। और उसके बाद में फिर अपने गेहूँ भी आ चुके हैं अभी सामने, तो ये भी 8 से 10 दिन के अंदर कट जाएंगे क्योंकि इसके जो साइटें रहेगी मतलब रही है तो ये थोड़े बहुत अभी गीले अरे है गेहूँ, तो उसके कारण अभी हमने मतलब कटाया नहीं, बाकी काटने वालों को बोल दिया तो बस ये थोड़ा साइड है इसकी जो इसके अंदर थोड़े बहुत और कच्चे रह गए तो वो भी पक जाए, फिर उसके बाद में पूरा नीचे से लेके ऊपर तक कटवा के काम ख़त्म और साथ ही साथ मशीन वालों को बोल देंगे तो निकाल भी लेंगे काट वीट करके। और इधर ये मटर के जो मटर बोए थे हमने तो उसको उखाड़ के वापस इधर डाला था, तो ये भी सूख चुका है, ये भी मशीन में मतलब साथ में निकालेंगे, नहीं तो फिर ये जो चने आएंगे हमारे चने के साथ में निकाल लेंगे इसको बस। और अभी हो गया स्प्रे